तो हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरा नदी, ये श्रीनगर शारदा ब्रिज का न्यू वीडियोस। सो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाया था जो कि पुराने वाले ब्रिज का वीडियो था, और वो ब्रिज ये है। तो आज मैं एक जो नया ब्रिज है, इस ब्रिज का फोटो वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ इधर। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वाला ब्रिज बताया था, ब्रिज का डिटेल्स दिया था, और अभी जो हम लोग आए हैं वो न्यू ब्रिज है जिस पे ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट चलता है। और पुराने वाले ब्रिज पे तो केवल ट्रेनें चलती है, दिन में 2 या 3 बार ट्रेनें जाती है। वो ब्रिज ये वाला था जिसका आप मैं वीडियो दे चुका हूँ, और मेरा ये एक नया वीडियो है जो कि एक नए ब्रिज से बनाना है। तो ये वाला ब्रिज इधर है, और फिलहाल अभी टाइम हो चुका है, 10 बज चुका है, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी क्लियर नहीं आ रहा है कुछ। तो चलते हैं वीडियो को थोड़ा सा आगे लेके, और वीडियो को इस साइड में चलते हैं नदी की तरफ में। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड एक शायद एक रील शूट कर रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है ये भी एक रील शूट कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनके पास में चलते हैं। नदी है, नदी का पानी तो अभी सूख चुका है, बस यही थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, और काफ़ी दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। हाँ, एक मित्र मेरे एक जो रील शूट कर रहे हैं, और इनका भी शायद कोई चैनल है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं अभी रील बनाने आया हूँ दोस्तों, और रील मेरा पड़ेगा राजू रंगबाजू ऑफिशियल पे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरे दोस्त अचानक से आ गए हैं, और फिलहाल मैं अभी इधर शूट करने वाले हैं, दोस्त लोग अभी आ रहे हैं। सहानी स्ट्रगल ब्लॉग का आप लोग इतना प्यार दीजिए कि हमारे भाई एकदम आसमान छू ले, अभी मजा आएगा। और हमारा ब्लॉग का चैनल है राजू ब्लॉग यूपी, आप लोग इसको भी सर्च कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और दिखाते हैं मैं अपने गाँव को लोकेशन और नदी नाले, तो चलिए चलते। तो ये देखिए दोस्त, हमारे गांव की नदी है, और नदी में कुछ गांव के बच्चे भी बहुत नहाते हैं, और गर्मी इतना ज़्यादा दोस्त पड़ रहा कि गांव के बच्चे इसमें 12 घंटे में लगभग 100 से 150 लोग रहते हैं फिलहाल। अभी फिलहाल धूप ज़्यादा, खाना वाना खा के एक बार और आएंगे नदी में, और कुछ लोग हैं मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं दोस्त, और आ गया है दोस्त हमारा नदी इधर सामने, आप लोग नदी में नहा रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, मैं रील अपना बाद में बनाऊंगा, पहले दोस्त के ब्लॉग में आऊंगा और आप लोग को मैं परिचय कराऊंगा, और सबसे पहले अपना लोकेशन यहाँ का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। आइए, तो ये है न्यू ब्रिज, और धूप काफ़ी तेज हो चुका है इसलिए हम लोग ब्रिज के डाउन साइड में हैं। तो ये देखिए मेरा नदी, ये देखिए फिलहाल अभी फिलहाल दो लोग इसमें नदी में नहा रहे हैं दोस्त, और आइए मैं भी अब पानी घुसा देता हूं, इधर आइए कैमरा मैन इधर। ये देखिए पानी, और पानी बहुत ही प्यारा है इधर, आप लोग देख सकते हैं ठंडा ठंडा है, इतना सफा पानी, ये देखिए बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल सफेद सफेद दिख रहा पानी, बहुत ही सफा, बहुत प्यारा है। और आप लोग इधर देखिए, वो देखिए बच्चों किस तरह नहा रहे हैं तैर कर, और आप लोग भी तैर सकते हैं। ये गांव के बच्चे हैं कुछ। इस नदी में जो पुल आप लोग को सामने ब्रिज दिख रहा है, इस पर जितने भी वाहन जाते हैं इस नदी में सिक्के डालते हैं, मतलब वही पैसे खोजने के लिए गांव के बच्चे आते हैं और नहाते हैं। ये ब्रिज है ना, न्यू ब्रिज के जस्ट बगल में एक बांध बनाया गया है, ताकि हाइट तो बहुत है, ताकि यहाँ से बाढ़ का पानी उस गांव की तरफ ना जाने पाए, इसकी वजह से बांधा गया है, लगाया गया है। और लगभग इसका लेंथ कितना होगा? होगा लगभग 300 मीटर। हाँ, इसकी लेंथ जो है लगभग 300 मीटर है। देख के पत्थर बहुत ज़्यादा लगा है, पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े लगाए गए हैं। ये शारदा तट मुक्ति धाम, जो कि इसका काम अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है, इसके लिए कुछ ये सामान से काम चल रहा है, और भी प्रोजेक्ट दिखाई, काम कारोबार अभी फिलहाल काम चल ही रहा है। ये सामान आगे रखा हुआ है, अभी ये सब जो है सामान रखा गया इधर इस साइड में। और इधर जो न्यू ब्रिज है उसका थोड़ा सा कुछ डैमेज हो गया था, जिसपे रिपेयरिंग का अभी काम चल रहा है इधर। बहुत ही प्यारा रोड बना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही नज़ारा अच्छा है, ऐसा रोड लगता है ऐसा दुबई चक्कर ले सकता है, दुबई से काफ़ी बेहतर रोड है ये। और इसका जो कलर है, ये कलर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर, रेलिंग 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 का कलर कौन सा है,
जो इंडिया में अच्छा तो रहता होगा, इंडिया को दिन में बसा रखा हो, एक कलर को बता सकता है रेलिंग का कलर जो है। अभी तो काफ़ी धूप हो चुका है इसकी तरह से, और वीडियो में क्लियर कुछ नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इधर काफ़ी धूप हो चुका है, इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घर पे, थोड़ा सा रेस्ट पानी करेंगे बस, उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट ब्लॉग लेके आएंगे आप लोग के बीच में। धूप काफ़ी हो गया, इधर देखिए पसीना निकल रहा है, ये पसीना का कारण दोस्तों आप लोग हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो चीज़ मैं अपनी आँखों से रियल देखूं और अपने दोस्तों को मैं दिखाऊं, मेरा दिल में बस यही है दोस्त। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर बनता दोस्तों, और जितने भी लोग हमारे भाई के चैनल पर नए हैं चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतना कड़ी धूप में आप लोग